इस बीच मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाईकोर्ट से अंतिम राहत मांगी है और ऐसे में उन्होंने उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जो जांच होगी उसमें सहयोग को पूरी तरह से वो तैयार है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को गिरफ्तारी करने से रोका जाए। आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केजरीवाल को 9वीं बार समन भेजा है और अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं ईडी के बुलावे पर। और अब एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। इस याचिका में कहा गया है कि जांच में मैं सहयोग को तैयार हूं, लेकिन ईडी को गिरफ्तारी करने से रोका जाए। एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जो जांच होगी उसमें पूरी तरह से सहयोग मिलेगा ये कह दिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी ना हो तो हाईकोर्ट में एक बार फिर से पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। याचिका उन्होंने लगाई है और इसमें अंतरिम राहत मांगी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उसमें सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ईडी को गिरफ्तारी करने से रोका जाए। 9 बार समन किया गया है। जावेद इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या अपडेट? देखिए, एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इस बार जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये याचिका लगाई गई है कि वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं ईडी की जांच में, लेकिन गिरफ्तारी से रोका जाए। और बताया जा रहा है कि आज ही इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। दरअसल आज ही की तारीख का 9वां समन है अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए। पिछले 8 समन में वो अब तक पेश नहीं हुए हैं। इससे पहले कल भी इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी उसकी वैधता को लेकर, जिस पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है। अब देखना होगा कि आज की सुनवाई में क्या निकलेगा। बिल्कुल, तो 9वीं बार आज समन किया गया है, आज पेश होना है ईडी के सामने। आज क्या वो पेश होंगे या नहीं, इस बीच जैसे कि जावेद बता रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा है कि मैं जांच के लिए तैयार हूं लेकिन गिरफ्तारी रोकी जाए।